हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेज इन टू डेज टू मिनट सीरीज नाउ ल लॉट ऑफ यू आर वंडरिंग हम लोग स्टूडियो वाली पिछली प्रेजेंटेशन पर क्यों नहीं जा रहे हैं इट्स जस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज बिकॉज ऑफ यू नो दिटुएशन कोविड सिटुएशन एंड मोहाली के अंदर Uh, जो सर्कमस्टांसिस थे बिकॉज ऑफ विच वी कूड एक्सेस आर स्टूडियो राइट वी विल बी सून गोइंग बैक टू द सेम फॉर्मेट जो कि हम पहले चलाते थे ठीक है तब तक के लिए हम देख लेते हैं फटा फटाफट आज का जो टू मिनट सीरीज़ का टॉपिक है दैट इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राइट अब जैसे कि आपको पता होगा पांच जगहें जो है पांच स्टेट्स जहाँ पे इलेक्शंस चल रहे थे इन द गिवन सिनेरियो, राइट दैट इज़ आपका वेस्ट बेंगाल में असम में तमिलनाडु केरला एंड पुदुचेरी के अंदर तो थ्रू आउट दिस देर न्यूमरस बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो इसीलिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एम सी सी एंड नॉट जस्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बट इसकी रेलिवेंस जो है मेंस में भी आ सकती है राइट के अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मेंटेन करके रखने हैं अगर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं एम सी सी पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी आ सकता है राइट तो इस इसके कारण जो है एम सी सी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि इशू की गई हैं बाय इलेक्शन कमीशन जो कि बेसिकली रेगुलेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनका बिहेवियर इस तरह से कि वो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी स्पीच या कोई भी ऐसी हरकत में डल्ज ना करें जो कि किसी भी तरह से हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को हार्म करती है ठीक है ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इलेक्शन कमीशन जो है वो स्पेशली एमसीसी गाइडलाइंस सी गाइडलाइन को इम्पॉर्टेंट समझ है गिवन के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आर्टिकल 324 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये सुपरवाइज एंड एक तरह से एक ओवरसाइट रखेंगे ऑन ऑल द इलेक्शंस टू पार्लियामेंट आल्सो जो कि हमारे जनरल इलेक्शंस है जो कि लोकसभा के लिए होते हैं as वेल well as हमारे जो असेंबली इलेक्शंस दैट इज स्टेट्स में होते हैं अब जो एमसीसी होता है ये ऑपरेशनल हो जाता है इन अ गिवन टेरिटरी मतलब अगर जनरल इलेक्शंस के लिए शुरुआत हो रही है तो पूरी की पूरी कंट्री की टेरिटरी में ये लागू होगा अगर किसी स्टेट के असेंबली इलेक्शंस के लिए जारी किया जा रहा है तो उस स्टेट की टेरिटरी के अंदर जो है लागू किया जाएगा और ये लागू हो जाता है ऑपरेशनल हो जाता है फ्रॉम द डेट दैट द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड मतलब कौन कौन सी डेट्स पे इलेक्शन के वेरियस फेजेज होंगे एंड कब तक ये चलता है टिल द डेट इलेक्ट आर अनाउंस्ड ठीक है तो सिर्फ पोलिंग तक नहीं सिर्फ वोटिंग की डेट तक नहीं बल्कि जब तक रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर किए जाते तब तक जो है एमसीसी लागू रहता है और इसका मेन पर्पस क्या है इसका मेन पर्पस है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग जो रूलिंग पार्टीज है उनके ऊपर एक नजर बनाए रखना ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है कंडक्ट कराए जा सके इंडिया के अंदर

जो पार्टीज थी उनके अंदर सर्कुलेट किया गया एंड इनका जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनसे भी फीडबैक मांगा जो स्टेट गवर्नमेंट्स uh, थी उन्होंने लागू किया जाने लग गया फ्रॉम द 1962 जनरल इलेक्शंस एंड तब से सारे एज वेल इलेक्शन स्टेट इलेक्शंस के अंदर जारी किया जाता है। right? चीजें भी इसके अंदर की गई हैं। 1979 में Election Commission ने एक section specially किया, रेगुलेट करने के लिए पार्टी इन पावर है तो चाहे रूलिंग पार्टी ये सेंटर में हो अगर जनरल इलेक्शन की बात हो रही है या रूलिंग पार्टी स्टेट्स में हो अगर स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात हो रही है राइट right? ताकि ये प्रिवेंट ना करें किसी भी तरह से ये प्रिवेंट ना करें कि एक फेयर इलेक्शंस के अंदर किसी भी तरह से टांग ना अड़ा सकें या कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले सकें ठीक है ना वेरी इंपॉर्टेंटली अब रूलिंग पार्टीज के ऊपर ये क्यों स्पेशल सेक्शन बनाया गया अब जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी ऑफिशियल विजिट्स भी कर सकते हैं राइट उन्होंने कहा कि ये ना करें कि ऑफिशियल विजिट्स के नाम पर वो एक्चुअली इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हो या फिर ऑफिशियल मशीनरी यूज़ करके जो है अपनी पार्टी कैंपेनिंग का वो काम कर रहे हो राइट तभी कहा जाता है कि आप जो है जो आपकी ऑफिशियल व्हीकल्स तक हैं

लोगों का जो पैसा है वो कहीं किसी भी तरह से यूज नहीं होना चाहिए फॉर दिया पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग पर्पसेस एंड ऑफिशियल मास मीडिया भी जो है वो पब्लिसिटी के लिए नहीं यूज करना चाहिए तब जब उनके जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उनको किसी तरह से जो है टैम्पर किया जा सके ठीक है कि अब हम दूरदर्शन के थ्रू जो रूलिंग पार्टी की आ, यू नो पार्टी की जो वेरियस पॉलिसीज हैं, उनको ही टेलीकास्ट किए जाएं ताकि एक स्पेसिफिक असेंबली इलेक्शंस वो जीत जाए ठीक है तो ये करना जो है अलाउड नहीं है

कैसे करोगे? तो आप सिर्फ ये फ्लारी, ड्रीमी बातें नहीं बोल सकते कि बोलने के लिए हमने बोल दिया राइट कि बड़ी बड़ी बातें और उसके बाद हम उसमें से कुछ भी पूरा नहीं करते हैं राइट तो इसके ऊपर भी चेक रखना अब एम सी सी का पार्ट बना दिया गया नेक्स्ट वेरी आता है कि क्या एम सी सी स्टैचरी है क्या ये बैक्ड बाय अ लॉ है क्या इसके पीछे कोई लीगल फोर्स है राइट तो अगर कोई एमसीसी का उल्लंघन करे क्या एम का कोई कोड ऑफ लॉ है जिसके तहत उनको पनिश किया जा सकता है तो पहला आंसर इज स्ट्रेट अवे

इवन दो एमसी का खुद का लॉ नहीं है देर आर अदर लीगल ब्रेक कर रहे हैं राइट right? तो फॉर एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड हो गया अगेंस्ट हेट स्पीच और कम्यूनल एक्टिविटी आर पी एट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ नाइन फिफ्टी वन हो गया अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है बोली जाती है राइट right? तो इन सब प्रोविजन के थ्रू जो है एक समवन सेइंग रॉन्ग थिंग्स या कुछ गलत एक्शन कर रहा है दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट और पार्टी कैन बी हेल्ड लायबल वेरी इंपॉर्टेंटली अगर कोई भी पॉलिटिशियन या पार्टी फ्लाउट करती है एमसीसी को तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो नोटिस भेज सकती है ऐसे पॉलिटिशियन या पार्टी को इधर ऑन इट्स ओन या ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंप्लेन

उनको एक रिटर्न सेंशर मिल सकता है ईसीआई से। However, आपको क्लास में खड़े होकर डांट दिया बट कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की कोई आपसे पेपर नहीं छीना कोई आपको सस्पेंड नहीं किया कुछ नहीं किया सो इट रियली मैटर इट रियली इम्पैक्ट दो चांसेस राइट तो ये जो है एक मेजर क्रिटिसिज्म आता है एक्सट्रीम केसेस के अंदर जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट पैसा या करने की कोशिश कर रहा होता है hatred, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रजिस्टर कर सकता है क्रिमिनल केस भी उनके खिलाफ अंडर द वेरियस रेलिवेंट सेक्शन चाहे आईपीसी का रेलिवेंट सेक्शन वो लगाए चाहे इनकम टैक्स

एप लॉन्च की विच इज बाय द नेम ऑफ सी विजिल जो कि बेसिकली एक फास्ट टैग कंप्लेन रिसेप्शन सिस्टम बनाती है एज वेल एज उसके अंदर सिस्टम भी बनाती है तो इसके अंदर जो वेरियस सिटीजन है जहाँ पे एम सी सी लगा हुआ है इलेक्शन के दौरान वो सिटीजन रिपोर्ट कर सकते हैं ई सी आई को थ्रू दी विजिल ऐप अगर वो कहीं पर भी देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या जो एक्सपेंडिचर है एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो कि दिया होता है पार्टीज एंड कैंडिडेट पे कि आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं, अगर उसका वायलेशन होते हुए सिटीजंस कहीं पे भी देखते हैं तो वो इस सी विजिल ऐप के थ्रू उसको रिपोर्ट कर सकते हैं राइट सो दिस इज अनादर मींस बाय व्हिच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ट्राइड टू एनफोर्स एमसीसी एज़ फार एज़ possible ठीक है नाउ दीस वर सम ऑफ दी इंपॉर्टेंट थिंग्स विद रिगार्ड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिनको आप देख सकते हैं अगेन आप इसको आरपीए एटसेट्रा के साथ भी लिंक कर सकते हैं एंड फॉर दैट हमारी मेंटरशिप वीडियोस के अंदर आपको एक डिटेल लेक्चर ऑन व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड वेरियस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपको वो मिल जाएगा राइट right? तो आपको साथ ही में ऊपर आ रहे है, कार्ड के अंदर भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा यू कैन जस्ट गो देर एंड वॉच द वीडियो ठीक है तो ये सब चीज़ें करते रहिए टू मिनट सीरीज देखते रहिए राइट दिस इज ऑल फॉर द डे साथ ही में अगर आपको हमारी ये कंपाइलेशन इन द फॉर्म ऑफ टू मिनट सीरीज अच्छी लगती हैं और आप अपने प्रीलिम्स एंड मेन्स के लिए करंट अफेयर्स की जो प्रेपरेशन है उसको और भी टॉप नॉच करना चाहते हैं तो आप हमारा जो कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर जो है हम लाइव सेशंस लेते हैं डिस्कसिंग सब्जेक्ट वाइज वीकली करंट अफेयर्स फॉर द सब्जेक्ट जहाँ पे हम ना ही सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड एनालिसिस बट इवन मेंस से जुड़ी जो रेलेवेंट खबरें हैं एंड मेंस के एस्पेक्ट से क्या क्या और चीज़ें ऐड हो सकती हैं वो भी कराते हैं राइट सो दिस इज ऑल इन द टू मिनट्स टूडे थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेज एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल